नमस्कार, स्वागत है आपका एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव में। मैं हूं रंजिता भंडारे और हाजिर हूं आज के भारत एक खोज में। आज भारत एक खोज में हम जानेंगे एक ऐसी महिला का इतिहास जो भारत में सबसे पहले ग्रेजुएट बनी। जी हाँ, एक ऐसी महिला जिसने सबसे पहले स्नातक की डिग्री हासिल की थी। आज हम बात कर रहे हैं कामिनी रॉय की। आज कामिनी रॉय की 155वीं जयंती है। कामिनी रॉय एक बांग्ला कवित्री और सामाजिक कार्यकर्ता थी। इतना ही नहीं, कामिनी भारत के इतिहास में ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला बनी थी। कामिनी ने ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1886 में ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी, यानी आजादी से भी पहले ग्रेजुएट होने वाली कामिनी रॉय पहली महिला थी जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था हमारे देश में। कामिनी ने बैथुन कॉलेज से संस्कृत में बीए ऑनर्स किया था और उसी कॉलेज में शिक्षिका के रूप में कार्य करने लगी। भारत में जिस समय ना आजादी थी और ना ही अधिकार थे, उस समय कामिनी रॉय ने किसी भारतीय महिला ने, मतलब कामिनी रॉय जो उस समय जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, जब महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकती थी, घर की दहलीज नहीं लांग सकती थी, उस समय उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, अपनी शिक्षा पूरी की और इतिहास रचा। उन्होंने उनकी शिक्षा की रुचि इस कदर थी कि उन्होंने इनको इस कदर आगे बढ़ाया और समाज में शिक्षित होने के लिए महिलाओं को उन्होंने प्रेरित भी किया। कामिनी रॉय का जन्म 12 अक्टूबर 1864 में बंगला के बंसंदा गांव में हुआ था। वह बंगला के एक अमीर परिवार से थी। उनके पिता चंडीचरण सेन जज और लेखक थे। नितिश चंद्र सेन उनके भाई कलकत्ता हाईकोर्ट में एक बैरिस्टर थे और बहन जैमिनी नेपाल के शाही परिवार में डॉक्टर थी। उन्होंने 1894 केदारनाथ रॉय से शादी की थी। 1894 में साल 1905 में पति के देहांत के बाद कामिनी रॉय ने अपना पूरा जीवन महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें अधिकार दिलवाने में बिता दिया। वह चाहती थी कि हर महिला को समाज में बराबरी का अधिकार मिले। कामिनी रॉय एक बंगाली कवित्री थी। वह कवि रविंद्रनाथ टैगोर से काफ़ी प्रभावित थी। उन्होंने अपने जीवन में कई रचनाएं लिखी, परंतु उन्हें गणित बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन बाद में संस्कृत की तरफ उनकी रुचि बढ़ी। कामिनी रॉय ने 1899 में छंदों का पहला संग्रह आलोछैया और उसके बाद दो और किताबें लिखी थी। वह 1930 में बंगला साहित्य सम्मेलन की अध्यक्ष भी बनी थी। कामिनी रॉय ने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी दिलवाया था। इसके लिए कई आंदोलन किए थे उन्होंने। 1926 में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था, लेकिन साल 27 सितंबर 1933 में कामिनी रॉय का देहांत हो गया। वे ज़्यादा समय इस चीज़ को नहीं देख पाए कि महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं, महिलाएं वोट डालने जा रही हैं। इससे पहले ही उनका देहांत हो गया। आज कामिनी रॉय को पूरी दुनिया याद कर रही है, क्योंकि भारत में पहली महिला थी वे ऐसी जिन्होंने ग्रेजुएट कम्प्लीट किया था, जिन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की थी। आज के भारत एक खोज में इतना ही था। इतिहास से जुड़े ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए एनएस न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ। थैंक यू, गुड नाइट।